Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are having a great time. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा crazy होने वाला है. हम लोग आज खेलने वाले एक new game जिसका नाम है क्या ना? The Bridge of Spirits. So अभी मैं game खेलते-खेलते आप सभी को इसके बारे में बताता जाऊँगा. ये एक magical adventurous game है. इसे game start करते-करते यहाँ पे difficulty level choose करने को बोला और मैंने कर दिया इसे story mode पे set. तो अभी game थोड़ी देर पे start होने वाला है. और चलो अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. ये है फर्स्ट लुक. नाउ ऑल स्पिरिट्स कैन ट्रैवल दिस पाथ अलोन, स्ट्रगलिंग विद ट्रेजेडीज इन देयर पास्ट, दे लिंगर एंड बिकम डेंजरस, ट्रैप्ड वायलेंट मैनिफेस्टेशन नोन एज स्पिरिट गाइड. वैसे इस गेम में हम लोग एक स्पिरिट गाइड है, जिस बंदी का जो स्पिरिट गाइड है उसका नाम है केना. उसके फैमिली मेंबर, उसके जो पापा थे वो भी एक स्पिरिट गाइड थे. एंड मुझे जितना लग रहा है ये अपने पापा को ढूंढने के लिए इस जंगल में आई है. सो अभी गेम स्टार्ट होता है. फर्स्ट लुक, ये एक गुफा के अंदर से स्टार्ट होता है. वैसे तो मैंने ये गेम को बहुत पहले एक बार खेला था, बट आज फिर से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने वैसे पूरा नहीं खेला था, थोड़ा सा खेला था, बट आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. मैं अभी थोड़ा आगे तो जा रहा हूँ. एंड यहाँ पे देख सकते हो मुझे, ये मेरे सामने जो स्पिरिट्स है ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं. एंड अभी प्रॉपर हम लोग एक जगह पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्पिरिट्स हैं. ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें तो करना ही पड़ेगा आई थिंक. ये देखो, ये स्पिरिट सबसे अलग है, वो स्पिरिट्स तो कहीं पे मूव कर रहे थे. और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एक जगह है. आई थिंक यहाँ पे कुछ लॉक सिस्टम टाइप का था जिसे मैंने अनलॉक किया है. और ये देख सकते हो सामने जो गुफा है उसका डोर, गुफा खुल चुका है. और ये जगह पे और कुछ वैसा मुझे शो नहीं कर रहा है. सो चलो गुफा के अंदर बढ़ते हैं. वैसे तो अभी प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है, बट लेट्स गो. वैसे मैंने इसे एक बार खेला था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट ओ शायद से ये वही है. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Okay, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहा है, ये जो बंदा है ये विलन है और इसके चेले को अपन को अभी ख़त्म करना होगा. चल आ जाओ. तेरे को मैंने एक बार किया था, मेरे को याद, थोड़ा सा याद आ रहा है. ये ऐसे कैसे करता है? अभी एक और आने वाला है ना, एक और आने वाला है इधर. और ये रख, ये ऐसे की तैसी. और ये ले, चल चल चल. अरे मरता नहीं है भाई. ओके चलो, इसका काम ख़त्म हो गया. वैसे मुझे अभी बहुत, अरे दीदी ऐसे तैसे तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है. ये देता हूँ, डॉज मार रहा है मेरे सामने. अच्छा चलो भाई ठीक है. अब यहाँ पे मैंने तो ये बंदों को ख़त्म कर दिया, बट ये वाला दरवाज़ा खुल नहीं रहा है. इसके लिए प्रॉपरली दो जगह पे मुझे जाके एनलाइटन करने थे. ये एक जगह एंड दूसरा जो जगह है वो उसकी राइट साइड. देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मैंने जब एनलाइट किया वो गुफा का एक साइड पूरा लाइट हो गया और सेकेंड ये वाला साइड. अब गुफा आधा पूरा खुल चुका होगा. ओके लेट्स गो. चलो अब यहाँ पे मुझे आगे जाना है और ये इसका एंट्रेंस जो है इसे खोलना है. चलो चलो. और नहीं खुला, मुझे शायद से पूरा सेंटर पे खड़े हो गए. हाँ अब ये ओपन हो जाएगा. चलो ओके. सो गाइज अभी ये वाला जो की है ये ओपन हो चुका है एंड अभी अपन चलो अंदर चलते हैं. नाउ एज यू कैन सी कि हमको बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है. सो ये वाले जगह पे से अपना जंगल मोड स्टार्ट होता है. चलो अब अपन जंगल के अंदर आ चुके हैं. इसे देख सकते हो एक बारी, ये जो जंगल ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है. चारों तरफ बिल्कुल हरियाली, ग्रीनरी. ये बहुत ही ज्यादा मुझे इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि ये गेम का कलर सैचुरेशन और इसका मतलब मूवमेंट वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड विद दिस अपन एक मैजिकल बंदे हैं. वैसे अपने पास एक छड़ी है मैजिक के तौर पे. और यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेक्ट करने को बोल रहा है. चलो
ओके पता नहीं चल रहा है क्या है बट थोड़े से स्पिरिट आए और ये गायब भी हो गए. ओके आई डोंट नो बट चलो आगे बढ़ते हैं तब पता चलेगा आगे चलते चलते. चलो 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 अरे ओ चलो चलो लेट्स गो. वेल यहाँ पे देख सकते हो दो छोटे छोटे बच्चे चल के आगे गायब हो गए. चलो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ. यहाँ पे देख सकते हो वो दोनों कुछ एक गेम खेल रहे हैं शायद. I saw him here somewhere. से अभी वो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं. Where did he go? ओह प्यारा है भाई ये कितना ज्यादा प्यारा है. वेल अभी ये जो है हाय देयर वेल अभी ये जो दो बच्चे हैं ये यहाँ से दूर भाग गए और ये मेरे सामने से कोई ओके अभी कलेक्ट करने को बोल रहा है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. वाओ Well, अभी गेम फिर से स्टार्ट हो गया और स्टोरी मोड खत्म. यहाँ पे मुझे इसने कुछ एक रास्ता दिखाया. ओके लेट्स गो शायद से ये अभी मुझे गाइड करने वाला है और मैं यहाँ पे जंप करते करते चलो आगे बढ़ते हैं. वैसे मुझे आगे जाते जाते वहाँ पे बोला कि फाइंड मोर रूट्स तो अभी इनका नाम जो है ये एक रॉट है और ये मेरे साथ है. चलो फिर ठीक है मैं अभी आगे बढ़ता हूँ. ओह ये दोनों फिर से आ गए किसी को ढूंढ रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है. चलो चलो लेट्स गो और ये वाले जगह पे भी देख सकते हो एक वैसा ही बिल्कुल जगह है जैसा पिछले टाइम था. सो चलो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया कुछ तो चेंज होना चाहिए ये वाला. और देख सकते हो ये जो सामने वाला जगह ये फिर से उठने स्टार्ट हो गए और मैं इसे चलो इसके ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट इसके ऊपर नेक्स्ट थर्ड वाले माउंटेन के ऊपर पता नहीं माउंटेन नहीं पत्थर है. ओके मैं भी इसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आया आई मीन यहाँ पे मेरे को भी कुछ प्रॉपरली मिलने वाले हैं वैसे. ओह ये देखो यहाँ पे एक और रॉट है. लेट्स गो. ओके सो रॉट फाउंड वन. अरे मेरे पास पहले तो एक था और ये दूसरा मिला. आई मीन ये तो दो होने चाहिए. लेट्स गो देखते हैं. और यहाँ पे मेरे को अभी दो रॉट मिल चुके हैं. आई मीन एक रॉट मिला है मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कैसे बट हाँ चलो. अरे भगो भगो एक लंबा सा जंप और यहाँ पे मैंने जंप कर लिया. इधर जंप खत्म. ये वाला जगह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कर से भरा हुआ है. ये तो बच्चे फिर से यहाँ ये वाले साइड गए. सो यहाँ पे मुझे फिर से कुछ मिलने वाला है. आई थिंक मेरे को रॉट ये वाले साइड से अभी मिलने वाला है जो नेक्स्ट मिलने वाला है. Let's go. और यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेजर टाइप का एक बक्स है और यहाँ पे ओपन करने का इसको अलग ही तरीका है. चलो मैंने इसे ओपन कर दिया और यहाँ पे मेरे को एक और रॉट. लेट्स गो रॉट लेट्स गो. चलो अब यहाँ पर as you can see कि मेरे को अभी
ऑल टोटल 3 rods मिल चुके हैं और मुझे चाहिए 5 rods। वैसे मेरे को यहाँ पे शो जितना कर रहा है, मेरे को 2 rods मिले हैं और मेरे को और 3 rods ढूंढने हैं। यहाँ पे 1 rod है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। मुझे लगता है पहला वाला जो rod मिला वो काउंट नहीं हुआ, पता नहीं। ओके, यहाँ पे मेरे को 3 rods मिल चुके हैं। लेट्स गो, अभी मुझे और 2 rods मिलने हैं क्योंकि वहाँ पे जो शो कर रहा है वो 5 rods का शो कर रहा है, बट मुझे पता नहीं और 2 rods मुझे कहाँ से मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ। क्योंकि देख सकते हो, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो यहाँ पे ऑल टोटल मेरे पास 4 rods हैं, पर वहाँ पे 3 शो कर रहे हैं और मुझे और 2 rods को ढूंढने पड़ेंगे। और मुझे लगता है ये वाले साइड ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ऐसे तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। मेरे को कुछ अलग जगह पे जाके और 2 rods ढूंढने हैं। लेट्स गो, मुझे अभी लगता है मुझे शायद से ये वाले साइड से मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए यहाँ यहाँ भी 1 rod मिल गया मुझे। चलो, ऑल टोटल मैंने 4 rods कलेक्ट कर लिए और मुझे लगता है मैंने शायद सामने के साइड से सारे rod कलेक्ट नहीं किए हैं। अब चलो थोड़ा सा बैक चलते हैं और मुझे लगता है ये पीछे के साइड से मैंने शायद से किसी एक rod को छोड़ दिया है, जिसलिए कि मेरा आगे का मिशन शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मेरे को देखो थोड़ा सा कुछ मैजिकल टाइप का शो करा, फिर मुझे यहाँ पे 1 rod मिल जाएगा एंड आई एम राइट। वेल, चलो यहाँ पे ऑल टोटल मैंने 5 rods कलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे स्नीज डांस, ये अभी मेरे को टाइम खोटा करने का वक्त नहीं है, अभी मेरे को जाके वो लेवल 1। ओके, लेट्स गो। द रॉड कैन हेल्प, हाँ मुझे पता है वो जंगल को रॉड से मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आई मीन कर से उनको सही कर सकते हैं। लेट्स गो, सभी से पहले मैं उसको सही करता हूँ, उसके बाद जाके आगे बढ़ पाएंगे मुझे जितना याद आ रहा है। ओके, अभी मेरे को रॉड को यूज़ करके इसे सही करना होगा, पल्स देना होगा और यहाँ पे ये ले पल्स। नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो जंगल है ये पूरा कर से सही हो चुका है, आई थिंक सही हो गया है, बट मुझे अभी इस पूरे के पूरे जंगल को सही करना पड़ेगा। सो चलो, अभी ये वाला जंगल तो पूरा का पूरा श्रापित है, मैं जितना आगे आगे बढ़ूंगा उतने ज़्यादा चेंजेस होते जाएंगे। वैसे ये वाले साइड से तो जा नहीं सकता, मुझे ये साइड से जाना पड़ेगा, एक लंबा सा जंप लगाना पड़ेगा। लेट्स, अरे जंप, ओके इस बार ही एक लंबा सा पकड़ ही नहीं रहे भाई, पकड़, अरे यार पकड़ ले। ओके लेट्स गो, यहाँ पे ये सही है, अरे पुल टूटा हुआ है, लंबा सा जंप और हो गया। चलो यहाँ पे मेरे को, हाँ ओके, जंप करके मेरे को ऊपर चढ़ना है और मैंने जंप कर भी दिया। लेट्स गो, और ये देखो अभी फाइट करने का वक्त आ गया है। एनिमीज फ्राइटन द रॉड, अच्छा मेरे रॉड को तुम डराओगे, ओके आ जाओ, तुम्हारे में कितने दम है मैं देखता हूँ। सभी इनसे रॉड एक्शन अवेलेबल, अच्छा ओके, L2 टू एम एंड देन प्रेस, ओके लेट्स गो, देखते हैं इसका क्या होता है। अभी ये चीज़ तो मैंने देख लिया, बट ये नया चीज़ मैं अभी ट्राई करने वाला, L2 से एम किया और ये, अरे वाह ग्रेट, रॉड भी मेरे को हेल्प कर रहा है। मेरे को इन्फेक्टेड वाले जगह पे नहीं जाना वरना मैं खुद ही इन्फेक्टेड होता जाऊँगा। सो चलो चलो चलो, अब यहाँ पे रॉड काम नहीं कर रहे, अरे ये भैंस की ये मेरे को मार रहे भाई, कितने लंबे लंबे क्या पकड़े ये लोग। ओके लेट्स गो, खत्म, चलो चलो चलो, उन रॉड ने उनको काबू करके रखा है, मैं मेरे को अभी इनका ख़त्म करके वो इसको पल्स देना पड़ेगा ताकि ये जंगल थोड़ा सा सही हो जाए। चलो अच्छा है कि रॉड लो, अरे रॉड निकल गए वहाँ से, मेरे को लगता है मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और इनकी जिया उड़ाने के बाद जाके रॉड को यूज़ करूँगा। चलो यहाँ पे ये काम तो हो गया, अब चलो रॉड यूज़ करते हैं, लेट्स गो। अरे यार मैंने रॉड को यूज़ किया बट सही तरीके से शायद से रॉड यूज नहीं हुआ। चलो चलो चलो, तुम्हारी भैंस के यार रॉड यूज ही नहीं हुआ। ओके, अभी रॉड यूज़ का कभी कभार आ रहा है, मेरे को शो भी नहीं कर रहा है, अभी भी शो नहीं कर रहा है, जब आएगा इस बारी मैं प्रॉपरली रॉड को यूज़ कर दूँगा, जब भी आ जाए। आजा आजा आजा, रॉड यूज़ चला आ गया, यूज़ कर लिया। चलो रॉड, अब ये हो गया मेरी भैंस की टांग, चलो ये ख़त्म। और यहाँ पे एक और फूल है ऊपर साइड देख सकते हो, उसको भी रॉड यूज़ करना है मुझे और इससे एक और पल्स। चलो
ये जगह भी बिल्कुल सही हो गया। मिशन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे जितना लगता है शायद से मैंने पिछली बारी इतना या फिर थोड़ा सा पीछे मैं रुक गया था, बट अभी अपन रुकने नहीं वाले, अभी अपन बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। लेट्स गो। चलो चलो। ओह, मुझे फिर से वो दो बच्चे दिखने लगे और यहाँ पे वो दोनों गायब हो गए। आई थिंक वो कहीं आगे चले गए, बट मेरे को देखना पड़ेगा। मैं इसे, अच्छा ओके, सो रॉड से मैं इसे मूव करा सकता हूँ, पर मुझे मूव करना है लेफ्ट वाले डायरेक्शन पे जहाँ पे वो लोग गायब हुए थे। ओके, रॉड कहाँ पे आना है तुमको? इधर आ जाओ। ये ऊपर वाला साइड मेरे को थोड़ा सा चमकीला दिख रहा है, सो लेट्स गो। इसे यहाँ पे पुट करते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, ये रॉड मुझे ऊपर जाने का डायरेक्शन दिखा रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसे यहाँ पे कर दिया। बट चलो अभी देखते हैं इसके बाद क्या होगा। मैंने रॉड को ले आया। अब मुझे शायद से उस साइड जंप करके जाना होगा। हाँ चलो, रॉड यूज से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अरे जंप भी नहीं कर रहा है, दुख की बात है। चलो एक लंबा जंप। हाँ चलो हो गया। अब मुझे जाना है इसके ऊपर, जाना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। शायद से मुझे इसके ऊपर, मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ यार। नहीं 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 नहीं, ओके सही है, यहाँ पर से जंप नहीं हो रहा है। That means मुझे किसी और direction से इसके ऊपर जाना होगा, क्योंकि पीछे वाले साइड को कोई भी जगह नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत ही लंबा वाला जंप है। Let's 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 go। ओह हो गया, वाह इजी था ये। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे यार। ओके, मैं इस साइड आ गया हूँ, यहाँ पे मैं शायद, हाँ हो गया। अब ये वाले साइड पे थोड़ा सा एक जंप लगा के मुझे उस साइड जाना है। सीधा जंप से उतना हो पाएगा क्या? आई डोंट नो, बट लेट्स सी। पकड़। हाँ, ये इतना इजी रहता है भाई ये तो। ओके, ये वाले जगह पे मेरे को थोड़ा भी आगे जाना है। और फिर से ये वही है ना जो पहले बारी हमें मिला था? हाँ ये वही है। Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Death and corruption are all that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. गाइस देख रहे हो, ये कोई स्प्राउट है और इसका हेल्थ कितना ज्यादा है। मेरा हेल्थ तो नहीं है। मैं जब ये यूज करूंगा, पल्स जब मैं यूज करूंगा, तब ये मुझे मार नहीं पा रहा है। लेट्स गो। अभी देता हूँ मैं इसकी। चलो मैं पल्स यूज कर दिया। मारना मारना, डरता है क्या? अरे पर गाइस, क्या आपने एक चीज नोटिस किया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो बंदा अपने को, मतलब विलन, जो मेन विलन है, वो थोड़ा सा इस जंगल के अच्छे के लिए चाहता है, मेरे को ऐसा लगा। क्योंकि केना ने जब उसे बोला आई कैन हेल्प यू, तब उसने बोला नहीं तुम नहीं कर सकते, एंड मैं अपने लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। आई डोंट नो वो क्या है, बट मैं इसको ख़त्म करता हूँ। वो चीज़ तो बाद में पता चल जाएगा, एंड मुझे जितना लगता है वही एंड विलन होने वाला है अपना। और यहाँ पे लेट्स गो। खत्म। यार ये ईजी था भाई, ये तो उन मामूली गुंडों से भी ईजी था। बट अभी अपने को रॉड यूज करके ये जगह को भी सही करना है। वैसे ये जगह पिछले वाले जगह से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आई थिंक यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज्यादा पावर दे के इसे ऑन करना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। और ये जगह ओपन हो गया। नाउ एज यू कैन सी कि ये जगह बिल्कुल ही श्राप से मुक्त हो चुका है।
और मुझे यहाँ पे एक और रॉड भी मिला। वाह, दो मिले? नहीं भाई, तीन, ऑल टोटल थ्री मिल गए। दैट मीन्स कि मेरे पास अभी आठ रॉट आ चुके हैं। ओ भाई, कितने सारे रॉट आ चुके हैं। You can come out. It's safe now. मुझे ये दो बच्चे भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। My name is Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Charles and we'll take you to the notch. Okay guys, मैंने भी इन दोनों बच्चों के साथ एक छोटा सा डील कर दिया है कि मैं तारों को बचाऊंगा और बदले में ये लोग मुझे सैक्रेड माउंटेन का वे बताएंगे। ओके, अब मेरे रॉड की संख्या देख सकते हो आठ हो चुके हैं और ये कितना ज्यादा सुंदर है। भाई देख सकते हो ये गेम में ये वाला जगह इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मेरे को तो हेवन जैसा फील आ रहा है। एंड यहाँ पे गेम का कैना द ब्रिज ऑफ स्पिरिट शो कर रहा है। दैट मीन्स कि गेम का इतना तक एक इंट्रो टाइप था, सो अभी से गेम ओरिजिनल स्टार्ट होने वाला है। सो सोच लो कितना ज़्यादा मज़ा आगे आने वाला है। वैसे आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना। इस वीडियो पे लाइक हम रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर कंप्लीट हो गया तो फटाक से इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पर सेट करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हाथ को ऐसे क्यों हिला रहा हूँ? ओके, लेट्स गो, बाय बाय।